मैं हूँ आपका दोस्त हैरी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसन की भरमा मिर्च। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। पहले हम एक पैन लेंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे और बेसन डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसको तेल में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। हमको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसका कच्चापन दूर होने तक इसको भूनना है। ये देखिए, इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए ही भूनना है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच राई डालेंगे और इनको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और जो मसाला हमने पीसा है उसको भी पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मसाला बनकर अब तैयार है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब बेसन डालेंगे इसमें रोस्ट किया हुआ। अमचूर पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 स्पून हींग। उसको मिक्स करेंगे। एक चम्मच तेल का डालेंगे, उसको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए, मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए और ये टेस्ट को और बढ़ा देगा। हमने मिर्ची को बीच में से कट कर लिया है और इस तरीके से खोलकर इसमें मसाला डालेंगे। तरीके से इसमें दबा दबा कर मसाला हमें अच्छी तरीके से भर लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। राई हमारी पक जाएगी तब हम उसमें हरी मिर्ची डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, दोनों तरफ से हल्का सा ब्राउन करना है। ये मिर्ची अब बनकर तैयार है और इसमें बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसको चपाती के साथ और परौंठी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और अगर आपके पास सब्जी ना हो तो आप इसके साथ भी रोटी खा सकते हैं। आप इसको एक बार घर पर जरूर ट्राई करें और बताएं आपको ये भरवा मिर्च कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।